साल 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप फिर से बाजी मारने की सोच रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में लगातार विवादों में भी फंसते दिख रहे हैं। चाहे दक्षिण कोरिया का मामला हो या चीन का, यहाँ तक कि ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात पर भी ट्रंप बैकफुट पर दिख रहे हैं। तो अब ट्रंप एक और लफड़े में फंस गए हैं। अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत किम डेरॉक का एक ईमेल लीक हुआ है, जिसमें वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेकार, अनाड़ी और अयोग्य राष्ट्रपति कह रहे हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय को भेजे कूटनीतिक संदेश में राजदूत किम डेरॉक ने न सिर्फ ट्रंप को बेकार, अनाड़ी और अयोग्य बताया, बल्कि ये भी दावा किया कि ट्रंप शर्मनाक पतन की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही ब्रिटिश राजदूत ने ट्रंप प्रशासन में फैली उलझन का भी जिक्र किया है। ये ईरान पर सैन्य हमला रोकने के ट्रंप के निर्णय से उपजी थी। ट्रंप प्रशासन बेकार है, ट्रंप शर्मनाक पतन की ओर बढ़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ट्रंप प्रशासन में कोई सुधार होने वाला है, न ही इसकी कूटनीतिक अनाड़ीपन और अयोग्यता में कोई सुधार होगा। हालांकि समय ट्रंप को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, अब भी ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति चुनकर आने का मजबूत रास्ता बचा है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की पूरी तैयारी नहीं थी। ट्रंप 2020 में होने वाले चुनाव में इसके असर से चिंता में है। ट्रंप अब भी ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश राजदूत की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ये रिपोर्ट राजदूत की छोटी सोच को दर्शाता है। बता दें कि किम डेरॉक ब्रिटेन के सबसे अनुभवी राजदूतों में से एक हैं, जिन्हें ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने से कुछ समय पहले जनवरी 2016 में वॉशिंगटन में तैनात किया गया था।